हाफ मेरा हथिया, कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में। डॉन 3 में एक बार फिर से शाहरुख प्रियंका होंगे साथ, क्या गौरी खान देगी इसकी इजाजत, आखिर प्रियंका ने अपने फैन को क्यों जड़ा थप्पड़। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, डॉन 2 में प्रियंका और शाहरुख की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। अब इंतजार है डॉन 3 का और कहीं ना कहीं मेकर्स इसका इशारा देते ही रहते हैं। अब आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा का कमबैक हो सकता है और डॉन 3 में शाहरुख और प्रियंका एक बार फिर से साथ देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, गौरी खान कैसे की इजाजत देंगी, क्योंकि जब डॉन 2 बनी थी उसके बाद से ही शाहरुख और प्रियंका की नज़दीकियाँ बढ़ी और इनकी अफेयर की खबरें बहुत सारी सुनाई देने लगी। ऐसे में गौरी को जब इसकी भनक पड़ी, उन्होंने शाहरुख को धमकी दे डाली कि तुम प्रियंका चोपड़ा के साथ कभी कोई फिल्म नहीं करोगे, और ऐसा ही हुआ। इतना टाइम हो गया लेकिन शाहरुख प्रियंका एक साथ नहीं आए, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या गौरी खान अलाउ करेगी कि शाहरुख और प्रियंका एक बार साथ किसी फिल्म में नजर आए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें प्रियंका चोपड़ा का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो है अनजाना अनजानी की प्रमोशन के दौरान का, जब प्रियंका चोपड़ा ने एक खुलासा किया। प्रियंका ने कहा कि उन्होंने अपने ही फैन को थप्पड़ जड़ दिया था और कहा कि ये फैन उनके साथ फोटो खिंचा रहा था। प्रियंका चोपड़ा ने कहा फोटो खिंचाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब कोई उन्हें फिजिकली टच करता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इस फैन ने भी यही किया, उसने प्रियंका का हाथ पकड़ा और फोटो खिंचाने लगा। प्रियंका को पता नहीं था और प्रियंका बहुत ज़्यादा डर गई और फिर प्रियंका ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। वही दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा बहुत सारी फिल्मों में भी बिजी हैं। आने वाले टाइम में उनकी झीली जरा आने वाली है, जो आलिया और कटरीना कैफ के साथ होगी। वहीं सिटाडेल सीरीज आ रही है और इसके अलावा इट्स ऑल कमिंग बैक टू मी, जो कि 10 फरवरी 2023 को रिलीज होगी। तो दोस्तों, डॉन 3 का आपको कितना इंतजार है कि एक बार फिर से आप प्रियंका और शाहरुख को एक साथ देखना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल मॉलीग्रास स्टूडियोज को।